मैं आपसे कह ही रहा था कि बहुत सारे कलाकारों की ये कहानी होती है कि वो सीखना कुछ और शुरू करते हैं और फिर वो फाइनली कन्वर्ट होता है किसी और चीज में, और लगभग वैसी ही कहानी आपकी भी है। तो उसमें मूर्छना भेद भी होता है, स्किल प्रैक्टिस भी होती है कि गंधार को सा बनाओगे तो ये राग हो गया, मध्यम को सा बनाए तो बिना ट्यूनिंग चेंज किए। तो वो प्रैक्टिस शुरू हुई, एक दिन करते करते यहाँ दर्द हो गया, छेद पड़ गया हाथ में, कभी कभी पूरा लाल हो जाता था, तो छोड़ दिया मैंने, मैंने मेरे से नहीं होगा। तो थोड़े नाराज हुए, बट उसके बाद बोला कर लेगा तो तू, तेरे लिए अच्छा है, मेरा इंस्ट्रूमेंट भी तो पड़ा रहेगा। तो मैंने फिर से किया और जितना भी हुआ मुझसे मैंने किया, बाकी उनका आशीर्वाद है। तो वो करते 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 आज भी कर रहा हूँ और डेली रियाज करता हूँ। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा साथ में नहीं रह पाया था पिताजी के साथ, क्योंकि वो तो ट्रैवल ही करते रहते थे। लेकिन जब ताऊ जी का देहांत हुआ तब उन्होंने गाना बंद कर दिया था, तो उन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और घर में सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा, तो सारे भाई जो हैं वो पिताजी के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, ये मेरी बदकिस्मती है। बट कहते ना कि ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, बिल्कुल। तो एक फंक्शन में मुझे जगजीत अंकल मिल गए और मैं उस समय मतलब सभी जगह काम करता था, मैं होटल में बजाता था वायलिन, एक होटल में मैं तबला बजाता था, प्रेसिडेंट होटल कोलाबा में, वहाँ मैं तबला बजाता था, एक सिंगर थे तपस कुमार उनके साथ, और दो दिन वहाँ तबला बजाता था और एक दिन ताश तंजौर में वायलिन बजाता था साउथ बॉम्बे में, और दो दिन लीला पेंडा होटल में पियानो के साथ तबले के साथ वायलिन बजाता था इंस्ट्रूमेंटल। तो वो मेरा रियाज होता, सुनता तो कोई था नहीं वहाँ, मेरा रियाज होता था, एक कोई राग पकड़ लिया अपना और रियाज कर रहे। कितनी बार वहाँ प्रेसिडेंट होटल में रात की ट्रेन होती थी 12:40 की, तो वो छूट जाती थी तो स्टेशन पे ही रहता था, सुबह 3:40 का वेट करता था कि पहली ट्रेन निकलेगी फिर घर जाऊंगा। तो वो भी, लेकिन वो मज़ा लिया मैंने उस लाइफ का, बहुत अच्छा आनंद लिया मैंने, मैं गिव अप नहीं किया मैंने कभी भी, और अपने उसूलों को नहीं छोड़ा मैंने, मतलब मैं आज देखता हूँ तो मैंने लाइफ में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी नहीं। खास करके जहाँ बात म्यूजिक की आती है तो म्यूजिक में मैंने कभी कभी लाइफ में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। करते 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 मेरी दुनिया थी होटल में बजाने वाली, तो सडनली एक कॉन्सर्ट में एक विजय मल्ला करके एक सिंगर हुआ करते थे, बड़ा अच्छा गाते थे, उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई, वो थे, ही वॉज देयर एट द शो, हाँ वो थे, लायंस क्लब का कॉन्सर्ट था और बॉम्बे में एक होटल हुआ करती थी जो अभी उसका नाम आई थिंक अभी चेंज हो गया कुछ, वो शालीमार होटल हुआ करती थी। तो जगजीत अंकल, ये भी बताऊंगा कि अंकल मैंने बोलना उनको कैसे शुरू किया, तो जगजीत अंकल मेंबर थे, लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वो कहीं से ट्रैवल करके आ रहे थे उस समय पर, वो एक ही फ्लाइट चलती थी एयर इंडिया की, इंडियन लाइंस की, तो ही केम फ्रॉम दिल्ली और समवेयर आई डोंट नो, तो जीन्स टी शर्ट पहने हुए आए, तो मेरे को तो पता ही नहीं, अभी एक 15 साल का बच्चे को क्या पता होगा कि कौन क्या है। तो उनके एक दोस्त थे नरेंद्र बिल्ला, बहुत बड़े बिल्डर हैं, तो वो बोले कि तुमको पता है तुमको कौन सुन रहा है, मैंने मेरे को नहीं पता, जगजीत सिंह, अरे मैंने बोला मेरे को आइडिया नहीं कौन है। अच्छा, अब क्या हो गया कि वो सिंगर का गला बैठा था तो जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि कुछ आप बजाइए, तो उस समय मेरे को जो ठीक लगा मैंने बजा दिया, तो जगजीत अंकल वहां से मेरे को इशारा कर रहे हैं, तेरा हाथ बहुत अच्छा है, हाँ। तो मैंने थैंक यू बोला, मैं ऐसे समझ रहा था जैसे कोई ऑडियंस में होते हैं जो तारीफ करते हैं वैसे, और ही वॉज इन मूड कंप्लीट एकदम, हाँ। तो खत्म हुआ प्रोग्राम, वो विजय मल्ला साहब भी गाए, उनके साथ भी बजाया मैंने, खत्म होने के बाद ही केम टू मी एंड ही सेड कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है वायलिन का। अच्छा, उनके साथ पहले वायलिन बजाते थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब उनके साथ वायलिन बजाते थे पंडित भंवरलाल जी, हाँ। तो उनकी डेथ हो गई थी
तो वायलिन था नहीं उनको, और उनका वायलिन उनका प्रिय इंस्ट्रूमेंट भी है। तो मुझे वो जो उनके एक शोल्डर पे एक बैग लटका हुआ था, वो बैग में से जो केबिन केबिन बैगेज का जो टैग होता है ना टैग, वो फाड़ा उन्होंने, वो फाड़ के उस पर अपना नंबर लिखा 8228572, ये उनका लैंडलाइन नंबर था, मुझे अभी भी याद है देखिए, और नीचे नाम लिखा जगजीत सिंह, तो तेरा हाथ बहुत अच्छा है और बहुत मीठा बजाता है, तो मैंने थैंक यू सर, थैंक यू सर बोल रहा था अभी, और क्या बोलेंगे, तो हाँ बोला कल फोन करो मुझे, मैंने कल फोन करूंगा। अब मुझे नहीं पता कि किस लिए फोन करना है, ठीक है कि बाद में वो उस समय हाँ बोल दिया मैंने ठीक है, लेकिन अब किस लिए फोन करना है कल, वो मेरे को कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ। तो खैर घर आ गया मैं, खत्म हो गई रात गई बात गई। तो दो दिन बाद उनका फोन आया मेरे घर पे लैंडलाइन नंबर पे, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छा बहुत अच्छा गाते हैं तौसीफ, तौसीफ अख्तर, उनके पिताजी से मेरा नंबर लिया और फोन किया और इंक्वायरी भी की मेरे बारे में अख्तर अंकल से। तो बोले हाँ वो शंकर शंभू जी में से, शंभू जी का लड़का है और अच्छा काम कर रहा है। हाँ कल सुना मैंने परसों, तो पीछे तानपुरा चल रहा है और घंटी बजी और मैंने ही फोन उठाया, तो मैं हेलो, तो बहुत खरज अति खरज में आवाज आती है एक हेलो ऐसे करके, जो फोन के जो फोन का जो स्पीकर था वो झनझना गया था एकदम, और पीछे तानपुरा चल रहा है, कौन बोल रहा है, मैं दीपक बोल रहा हूँ, तुमने फोन नहीं किया मेरे को परसों, मैंने कौन बोल रहे, मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूँ, मैं सॉरी सर मैं मतलब याद था मुझे लेकिन किस लिए फोन करना था, तो किस लिए क्या फोन करना है, तुम आओ वायलिन लेके घर पे आओ आज, मैंने आज तो मेरा कुछ काम है तो कल आओ, बोले मैंने ठीक है मैं आता हूँ, एड्रेस लिखो, मैंने एड्रेस लिखा पुष्पा मिलन बिल्डिंग फ्लैट नंबर 24 सफाया कॉलेज के बाजू में कैम्प्स कॉर्नर जो भी था, हाँ ऐसे कुछ था वार्डन रोड सॉरी। तो मैं नेक्स्ट डे गया वायलिन लेके मेरा, वहाँ पे अपना रोनू मजुमदार जी, अरशद जी और हरीश वानकर जी जो ढोलक बजाते थे, नारायण जी और संजीव सेन जी जो तबला बजाते थे, और अरशद भाई गिटार बजाते थे, वो चित्रा जी, चित्रा आंटी, जगजीत अंकल सब मौजूद थे। तो मैं पहुंचा थोड़ा घबराया हुआ भी था, ऐसा माहौल बना हुआ था वहाँ पर सब, तो बोला बैठो बैठो बैठो, तो बैठा मैं, तो बोला कि निकालो अपना वायलिन निकालो, तो ठीक है। अब चित्रा जी से भी मिलाया, आंटी से भी मिला, नमस्ते हाय नमस्ते उसे, अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है, बोले देखो कुछ गज़लें जो है हमारी उसमें फिक्स म्यूजिक होते हैं, मैंने जी, और कुछ गज़लें ऐसी होती है जो उस सुरों का उस शब्दों का मजा लो और अपने हिसाब से बजाओ, अब कहाँ बजाने क्या कुछ पता नहीं जी, अभी पहली बार कोई आ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि क्या हो रहा है। तो मैं रोनू भाई को देख रहा हूँ, सब मेरे बहुत सीनियर, और अरशद भाई को देख रहा हूँ, इन लोग को देख रहा हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी भी थे संतूर जी जी। तो मैंने निकाला वायलिन, तो बोले कि अपना हम गज़ल का जो प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम शुरू होता है तो वो पहली गज़ल होती है चित्रा जी के साथ, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, दरा ना दरा दरा ररा हमसे अजनबी, वही गज़ल थी। तो उसका सुर है सफ़ेद तीन ई ई में, मैं जी 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 सर सर बोलता था। तो बोले इसमें म्यूजिक फिक्स म्यूजिक है वो लिखो, लिखना आता है, मैंने हाँ नोटेशन आता है मेरे को, तो लिखो। तो मैं पेन और कागज़ लिया और मैं लिखने लगा, तो बोले मैं लिख के देता हूँ तुमको, कैसे लिखते मैं बताता हूँ, मैंने अच्छा ठीक है आप बताइए। तो उन्होंने लिखा दरारी रा 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 रा, ये म्यूजिक था फर्स्ट म्यूजिक, दरारी री 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 दरारी रारी रा 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 तरारा दर ना दर, अंतरा शुरू होता था फिर ऐसे वो था।
तो उन्होंने लिखा, नोट्स लिखे, करेक्ट लिखे, सारे गा धा नी दा धा पा गा पा। तो मैंने बोला सर इसको बीट बार एंड बीट पे लिखिए ना। तो ऐसे देखने लगे मेरे को, तेरे को आता है? मैंने हाँ मेरे को आता है, तो तू लिख। मैंने ठीक है। तो मैं सारे गा धा गा ऑन द बीट, नी धा धा पा धा बीट पे, गा रे सा मा सा बी मू, गा रे सा धा टू वन रे सा सा। तो चित्रा आंटी बोलती लड़का होशियार है। हाँ तो लिखा मैंने। फिर बोला हम कुछ कब, हमारे स्किल बहुत चेंज होते हैं, कभी हम ई से गाते हैं, कभी एफ से गाते हैं, कभी जी से गाते हैं, कभी डी से गाते हैं, कभी एफ शार्प से गाते हैं। तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं उनको मैंने कहा। बोला नहीं वो पंडित जी भवनलाल जी वो ट्यूनिंग चेंज करते थे ना, और दो आई थिंक दो वायलिन रखते थे शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया। मैंने बोला नहीं मैं हर स्किल से बजा लेता हूँ। हाँ, और मैंने मतलब बड़ा नॉर्मली बोला, ऐसा नहीं कि अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए, वो नहीं। तो ही वॉज सो हैप्पी, बहुत खुश हुए। फिर अंदर गए, 10 मिनट की, 10 मिनट का सेटिंग हुआ होगा मुश्किल से। हाँ 10 मिनट का सेटिंग हुआ होगा। फिर अंदर गए, अंदर जाने के बाद उस समय वो इंडियन लाइंस का एक वो टिकट जो आती थी ना, बड़ी जैकेट होती थी रेड एंड व्हाइट कलर की। हाँ तो वो मेरे को उन्होंने पकड़ा दी, वो पकड़ा दी, बोले कल दिल्ली चलना है, वहाँ से परसों मेरठ, फिर वहाँ से अपना कलकत्ता, फिर उधर से चेन्नई, तो मद्रास था सॉरी मद्रास, फिर वहाँ से जयपुर, फिर ऐसे पूरा उन्होंने एक एक डेढ़ हफ्ते का प्रोग्राम मेरे को दे दिया। अरे मैंने बोला सर मैं तो, लेकिन कल मेरा रिकॉर्डिंग है कल से। आई यूज टू प्ले सॉन्ग वायलिन ऑल्सो, सोलो के लिए तो कोई बुलाता नहीं था मेरे को, तो सॉन्ग वायलिन के लिए बुलाते थे, बट वो ज्यादा मुश्किल काम है, सॉन्ग गाना बजाना इट्स मोर डिफिकल्ट देन प्ले सोलो। तो लेकिन यहाँ पे मेरी जो रिकॉर्डिंग थी नेक्स्ट डे से, वो थी अपना आशित देसाई जी की। बहुत अच्छा गुणी, बहुत ही गुणी कलाकार हैं आशित देसाई जी, और खुद बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, कंपोजर हैं, अरेंजर हैं। तो मैंने बोला मेरी आशित देसाई जी के साथ रिकॉर्डिंग है, जुहू पर स्टूडियो, गिनी स्टूडियो करके था। तो मैं तो वहाँ बिजी हूँ, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा आपके साथ, ये दिल्ली कलकत्ता और ये चेन्नई वगैरह मद्रास वगैरह। तो कुछ बोले नहीं मुझे, उन्हें उन्होंने आशीष देसाई जी को फोन लगाया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि ये हो क्या रहा है। आशीष देसाई जी को फोन लगाया उन्होंने, आई एम श्योर कि जब ये आशीष जी ये देखेंगे हमारा ये जो ये कन्वर्सेशन, तो उनको सब समय पता याद आएगा। तो बोला हाँ, बोला जो भी बोलते थे आशित बोलते थे या आशित भाई बोलते थे पता नहीं, बोलो तुम्हारे कल जो रिकॉर्डिंग है उसमें वो दीपक वायलिन पे, बोला हाँ वो वायलिन तो बजा, तो उसका तुम एक डेढ़ हफ्ते बाद डब कर लो, ये कल मेरे साथ जाएगा, कल से बाहर है मेरे साथ। तो ही सेड ओके फाइन नो प्रॉब्लम। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आप बुला रहे हो और आपस में आप दोनों बात कर रहे हो, मुझे पूछ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ तो खैर बाहर निकलने के बाद फिर मैंने पीसीओ से फोन किया आशीष जी को, फिर बोले नहीं कोई नहीं। फिर मुझे पता चला कि इन लोग का रिश्ता ऐसा था। हाँ फिर सर पहला प्रोग्राम दिल्ली, वही श्री फोर्ट, फेवरेट फेवरेट प्लेस सर हर म्यूजिशियंस की। तो आज मुझे वो बातें सब समझ में आती है सर, उस समय बच्चा था तो नहीं समझ में आती थी, बट आज वो चीजें समझ में आती है। साउंड ऑन बैलेंस हो दीपक, गया, सनी 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 ठकराल साहब साउंड बैलेंस को कर रहे थे। तो होने के बाद जगजीत अंकल, अच्छा उससे पहले अरशद भाई यूज टू कॉल हिम जगजीत अंकल। तो मैंने बोला कि अब अरशद भाई तो मेरे से बहुत सीनियर है, तो मैंने बोला कि मैं भी आपको अंकल बोलूँ। बोला हाँ बोलना, क्या फर्क पड़ता है। तो तब से मैं जगजीत अंकल ही उनको बोलने लगा। तो खैर वहां पहुंचे दिल्ली में, पहुंचने के बाद जब शरीफ फोर्ट पे साउंड बैलेंस हुआ, और बैलेंस होने के बाद ग्रीन रूम में बैठे हुए थे, तो ऐसे यूज टू स्मोक हाँ लॉट, तो कंधे पे ऐसे हाथ रख के मेरे को बोला कि अपने लिए बजाना, दूसरों को मत देखना कि किसको खराब लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कभी मत करना, खुद को इम्प्रेस करना। और जब खुद को खुशी मिलेगी ना काम करके, अपने
अपना म्यूजिक जब तुम खुद इंजॉय करोगे अपना म्यूजिक तो सामने वाला डेफिनेटली इंजॉय करेगा। तो वो सब मेरे बाउंसर था, सब ऊपर से चला गया मेरे, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। फिर अच्छा हो गया प्रोग्राम, बहुत अच्छा हो गया और ठीक ठाक बजा लिया मैंने उस दिन। फिर उन्होंने आगे पूरे साल भर की डेट दे दी। अब इससे पहले की एक जर्नी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये सेम टाइम पे मेरा जो करियर शुरू हुआ था, जो एज प्रोफेशनल जिसको बोलना चाहिए ना, ट्रैवल करना, कॉन्सर्ट्स करना, वो मुझे अनूप जलोटा जी ने शुरू कराया था। अच्छा जी, ये किसी को, बहुत कम लोगों को पता है ये बात। उनके साथ मैं करीबन 6-8 बार पूरा वर्ल्ड घुमा हूं। एक महीने में 35-36 कॉन्सर्ट होते थे एक महीने में, एक एक दिन में 2-2 कॉन्सर्ट, 3-3 कॉन्सर्ट। तो वन डे जगजीत जी कॉल्ड अनूप जी, आप अनूप जी को पूछेगा, इज वेरी क्लोज टू, बोले यार ये इसको जब फोन करो तो ये बोलता है मैं, बोले तेरे साथ बिजी रहता है ये, तो इसको छोड़ दे। तो अनूप जी ने बोला ठीक है आज से आपके साथ, अब मैं फोन नहीं करूंगा इनको। तो ये ऐसी चीज शुरू हुई। खैर उससे पहले भी काफी चीज हुई थी, वो मैं आऊंगा बाद में। तो एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कलाकार आपको बुलाते हैं। और जगजीत अंकल के साथ जितना मैंने सीखा है, खाली म्यूजिक नहीं, खाली म्यूजिक कुछ नहीं होता, उसके अलावा जो चीज होती है ना वो सीखनी, वो हर दिन सीखते थे, हर किसी ना किसी से। बोलते आप सीखना चाहो ना तो आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, हर किसी की अच्छी चीज लो, हर किसी में कमियां भी है, खामियां भी है, खूबियां भी है, तो वो जो खूबियां हैं वो ग्रैब करो। तो वो अभी कुछ सालों से समझ में आ रही है वो चीजें। खैर वो सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था मैं बचपन में, तो उनको पता था कि ये सिगरेट भी पीता है, बियर भी पीता है, उस समय बियर तक था। तो मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ सर आपको, बिल्कुल। तो एक दिन मेरे रूम में आए, पता नहीं हम आगरा में थे या कहाँ थे, याद नहीं आ रहा, मेरे रूम में आए। आने के बाद बोला यार मेरा सिगरेट खत्म हो गई, तेरे में से एक सिगरेट दे। तो मेरे अंकल मैं तो पीता ही नहीं। बोला तेरे होंठ बता रहे तू पीता है। तो बोला देखो जब बच्चे का जूता बाप के जूते में आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ उन्हें कहावत बोली थी, तो वो दोस्त हो जाता है। हाँ तो मैंने बैग में से पैकेट निकाला, उस समय मैं रॉथमैन पीता था, तो मेरे साथ पलंग वो जो सोफा था वहां बैठे होटल के रूम में, बोला जला। फिर एक पैक बनाया उन्होंने, हाँ खुद ने भी बनाया मेरे लिए भी बनाया, जो करो सामने करो पीछे छुप के नहीं। वो दिन था सर, और 2011 तक जो हम लोग की जो बॉन्डिंग थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।